गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का अपना टॉपिक अरस्तु के राज्य संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी प्रथम पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य संबंधी विचारों का उल्लेख किया है और अरस्तु के राज्य संबंधी विचार इतने अधिक सुव्यवस्थित हैं कि आज भी हम उन विचारों को पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं। उसके राज्य संबंधी सिद्धांतों के कारण ही उसे राजनीति के नवीन विज्ञान का प्रतिपादक माना जाता है। अपने गुरु प्लेटो के समान उसका भी लक्ष्य सोफिस्ट विचारधारा के इस मत का खंडन करना है कि राज्य एक परंपरा जनित संस्था है जिसका अपने सदस्यों की आस्था पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य का जन्म विकास के कारण हुआ है और यह एक स्वाभाविक संस्था है जिसके उद्देश्य और जिसके कार्य नैतिक है और ये सभी संस्थाओं में उच्च और श्रेष्ठ है। अरस्तु ने राज्य संबंधी विचारों का वर्णन कुछ बिंदुओं के आधार पर करने का प्रयास किया, जिसमें नंबर वन है राज्य का प्रादुर्भाव, यानी राज्य का जन्म कैसे हुआ। अरस्तु के अनुसार राज्य का निर्माण व्यक्ति या व्यक्ति समूह ने जानबूझकर या सोच विचार कर किसी भी काल में नहीं किया। राज्य तो एक प्राकृतिक संस्था है जिसका जन्म और जिसका विकास प्राकृतिक रूप से हुआ है। आगे वह कहता है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से राजकीय जीवन के लिए बना है। अपनी स्वभावजन्य भौतिक, सांस्कृतिक और नैतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए स्वामी और दास, स्त्री और पुरुष एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार उनके संयोग और मेल से परिवार बनता है, परिवार का जन्म होता है। परिवार प्रकृति द्वारा स्थापित मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक संस्था है। जब परिवारों का एकीकरण होता है, जब सारे परिवार एक होते हैं और इस संगठन का उद्देश्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति से कहीं और अधिक होता है, तब एक ग्राम बनता है, एक गांव अस्तित्व में आता है। सबसे अधिक ग्राम वही हैं जहां एक ही माता के दूध से पले बच्चे और बच्चों के बच्चे रहते हैं। धीरे धीरे अनेक ग्राम, अनेक गांव एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं और फिर समाज के रूप में इतने बड़े हो जाते हैं कि वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में लगभग आत्मनिर्भर बन जाते हैं। तब नगर और राज्य का जन्म होता है। इस प्रकार राज्य का जन्म मनुष्य की भौतिक और मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है और इसलिए वह कायम रहता है। इसलिए राज्य का अस्तित्व बना रहता है कि इसमें व्यक्तियों का श्रेष्ठ जीवन संभव है। अतः समाज या राज्य के जन्म के अंकुर, बीज सर्वप्रथम परिवार में देखने को मिलते हैं। इन्हीं सभी कारणों से धीरे धीरे विकसित एवं प्रतिष्ठित होने से अंत से राज्य का उदय होता है। स्वयं अरस्तु कहता है कि राज्य प्रकृति की उपज है और व्यक्ति स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से जीता है, बिना राज्य के जीता है, वह मनुष्य की श्रेणी से या तो ऊपर है या नीचे है। अर्थात हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि जो व्यक्ति राज्य के बिना रहता है वह मनुष्य से की श्रेणी से ऊपर है या नीचे है। यानी व्यक्ति राज्य में रहकर ही
अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो व्यक्ति, फिर परिवार, फिर समाज, फिर राज्य की उत्पत्ति, राज्य का जन्म होता है, ऐसा अरस्तु कहता है। इस प्रकार राज्य विकास का परिणाम है और इस विकास का क्रम परिवार से प्रारंभ हुआ। भौतिक पदार्थों को जुटाने के लिए दासों को काम पर लगाया जाता है, जिससे स्वामी और सेवक के संबंध उत्पन्न होते हैं। मानव की राजनीतिक यात्रा में दूसरा पड़ाव आता है ग्राम, गांव। परिवारों का समुदाय या समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम का रूप धारण करता है। एक दूसरे के लाभ के लिए, बढ़ती हुई आर्थिक समस्याओं की पूर्ति के लिए और रक्त संबंधों के पारंपरिक प्रेम के कारण, जो ब्लड रिलेशन है, उनके प्रेम के कारण एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए परिवार ग्राम को, गांव को जन्म देते हैं। विकास का क्रम चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और अनेक गांव मिलकर राज्य का जन्म होता है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर राज्य के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। राज्य सैनिक संगठन बनकर विदेशी आक्रमणों से अपने निवासियों की रक्षा करता है। ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक कुशलतापूर्वक न्याय का कार्य करता है, विद्याओं का और कलाओं का विकास करता है। इस तरह राज्य का विकास तीन स्थितियों से होकर गुजरता है, पहला कुटुंब, दूसरा गांव और तीसरा नगर राज्य। तो इस प्रकार राज्य का जन्म एक विकास के द्वारा हुआ है। दूसरा जो राज्य के संबंध में विचार बताता है, वो राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, नेचुरल है। प्लेटो की भांति अरस्तु भी यह मानता है कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अपितु एक प्राकृतिक समुदाय है, नेचर की समुदाय है। और अरस्तु राज्य को एक ऐसा समुदाय मानता है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। राज्य एक बंधुत्व है, एक जाति है और उन लोगों का संगठन है जो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी सामान्य आवश्यकताएं रखते हैं। यानी अलग अलग तो हैं, लेकिन आवश्यकताएं कैसी उनकी, एक समान है। और वस्तुओं और सेवाओं के पारस्परिक आदान प्रदान द्वारा उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है या तो पशु है अथवा देवता है। इस प्रकार अरस्तु को कहना है कि राज्य, परिवार, ग्राम और फिर नगर राज्य के रूप में हमारे सामने बना है, विकसित हुआ है। राज्य एक स्वाभाविक संस्था इसलिए भी है कि राज्य का जन्म मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हुआ है। वह कहता है, मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव समुदाय के बढ़ते हुए घेरे की परम और चरम परिणति राज्य है। सामाजिकता मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण है और इसी गुण के कारण मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक स्तर पर करना चाहता है। मिलजुल कर व्यक्ति रहते हैं परिवार के रूप में, परिवार आगे बढ़ता है, गांव बनते हैं और फिर गांव से राज्य अस्तित्व में आते हैं। इस प्रकार प्लेटो की मान्यता है कि राज्य एक सर्वथा स्वाभाविक और प्राकृतिक संस्था है। तीसरा बिंदु जो अरस्तु स्पष्ट करता है, राज्य सर्वोच्च समुदाय। अरस्तु राज्य को समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय मानता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय इसलिए है अरस्तु के शब्दों में कि वह सबके ऊपर है और अन्य सब उसके अंग में लिपटे हुए हैं, यानी सब चीजें उसके नीचे हैं। विभिन्न प्रकार के समुदाय मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसे उदाहरण दिया उसने, मनोरंजन करने वाली संस्थाएं मनुष्य की भावनाओं को संतुष्ट करती हैं, जो आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो अन्य सामाजिक संस्थाएं मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं जैसे धर्म, शिक्षा आदि को पूरा करती है। लेकिन इन सब संस्थाओं में राज्य सबसे बड़ी
और एक ऐसी संस्था है जिसमें सामाजिक विकास का चरम रूप निहित है, जो मनुष्य की बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक यानी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके विकास में शेष संस्थाओं का विकास निहित है। राज्य इसलिए भी सर्वोच्च है कि इसका लक्ष्य ही सर्वोत्तम है, और वह है अपने सदस्यों के जीवन को शुभ बनाना। यानी जो राज्य में रहने वाले लोग हैं, उनके सदस्यों को शुभ बनाना राज्य का परम कर्तव्य, राज्य का परम कार्य है। राज्य अपने नागरिकों को सद्गुणी जीवन की प्राप्ति के लिए तैयार करता है। जहां अन्य संस्थाएं मनुष्य को आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती हैं, वहां राज्य उसे पूर्ण रूप से स्वावलंबी बनाता है। प्रत्येक अन्य समुदायों का उद्देश्य किसी विशेष या निम्नतर शुभ की प्राप्ति करना है, जबकि राज्य का उद्देश्य परम शुभ और संपूर्ण विकास को प्राप्त करना है। अतः अरस्तु के शब्दों में राज्य अन्य समुदायों की तुलना में परम श्रेष्ठ और सर्वोच्च संस्था है। आगे राज्य के विचारों को बढ़ाते हुए अरस्तु स्पष्ट करता है कि राज्य मनुष्य से पहले है, व्यक्ति से पहले है। अरस्तु का यह भी कहना है कि राज्य मनुष्य से पहले है। सतही तौर पर अरस्तु का यह कथन यद्यपि कुछ विचित्र सा लगता है, क्योंकि राज्य का जन्म मनुष्य के द्वारा हुआ है। व्यक्तियों के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब केवल मनुष्य के हित के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है, तब राज्य मनुष्यों से पहले कैसे आया? यह भी अरस्तु स्वयं बता चुका है कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से प्रारंभ में व्यक्तियों से मिलकर परिवार बने, परिवार से गांव बने और गांव से राज्य बने। इस तरह काल क्रम की दृष्टि से व्यक्ति पहले और राज्य सबसे अंत में। तब यह मानना कि राज्य मनुष्य से पहले है या व्यक्ति का पूर्वगामी है, इससे क्या तात्पर्य हो सकता है? वास्तव में अरस्तु के उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। इसमें कोई इतिहास को नहीं झांकना है। वह मनोवैज्ञानिक एवं तर्क सम्मत संबंध की दृष्टि से राज्य को व्यक्ति का पूर्ववर्ती मानता है और आगे तर्क देता है कि राज्य एक समग्रता है, होल है, और व्यक्ति उसका एक अंग है। अर्थात व्यक्ति और राज्य का वही संबंध है जो शरीर और उसके अंगों के साथ होता है। क्योंकि समग्र पहले आता है, अंग बाद में, इसलिए इस आधार पर राज्य पहले हुआ और व्यक्ति बाद में। यदि व्यक्ति को राज्य से अलग कर दिया जाए तो वह स्वावलंबी नहीं हो सकता। व्यक्ति का राज्य से पृथक कोई महत्व नहीं है। जो व्यक्ति राज्य तथा समाज के बिना रह सकता है या अकेला होने पर स्वावलंबी हो सकता है, वह अरस्तु के शब्दों में या तो देवता या पशु है। इस प्रकार राज्य जैविक इकाई, एक ऑर्गेनिक यूनिट है, अतः उसकी अवयवी समग्रता व्यक्ति से पूर्ववर्ती होनी चाहिए।